नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों, अगर आप कहीं पे काम करते हैं तो जब भी आप सैलरी ले तो बैंक अकाउंट में ले, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके बाद इसी के बारे में मेरा आपसे एक सवाल हुआ कि आप क्या चाहते हैं, आपका बैंक का वो अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक में हो या सरकारी बैंक में। हो सकता है कुछ लोग प्राइवेट बैंक को प्रीफर करें, कुछ लोग सरकारी बैंक को प्रीफर करें, लेकिन मैं हमेशा इसमें सरकारी बैंक को ही प्रीफर करता हूँ। सरकारी बैंक को प्रीफर करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसमें जो मेंटेनेंस चार्ज है या फिर मिनिमम बैलेंस है वो बहुत कम है, और इसके साथ ही भले ही अलग अलग लोगों का बैंक में, सरकारी बैंक में जाने का अनुभव कुछ और हो, लेकिन मेरा अनुभव हमेशा अच्छा रहता है। ऐसा कतई नहीं है कि किसी भी ब्रांच में मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको बहुत ईजिली हैंडल कर लेता हूँ, और उसका कारण है कि हमारे पास जानकारी है, और मैं आपसे चाहूँगा इसी तरह की जानकारी शेयर करना। आज जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ, अगर उसको आप पूरा देखेंगे तो शायद आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिले, और कैसे बिना बैंक में भाग दौड़ किए कोई भी इशू किस तरह से रिजॉल्व कर लिया जाता है, किस तरह से दुरुस्त कर लिया जाता है, उसकी जानकारी मिलेगी। हुआ ये कि एक हमारा जानने वाला है जिसने स्टेट बैंक में एक सेविंग अकाउंट खुलवाया। उसको पता नहीं था, क्योंकि पहली बार जब भी हम बैंक अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो हमें बहुत सारे नियमों की जानकारी नहीं होती है। जब हम कस्टमर बन जाते हैं तो धीरे धीरे करके हमें बहुत सारी बातें बैंकर्स बताते हैं या फिर इधर उधर से सुन करके, पेपर में पढ़ करके हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसको कुछ नहीं पता था, मैंने बोल दिया भाई 3,000 रुपये लेकर के तुम जाना बैंक में और जाके फॉर्म भर के अकाउंट खुलवा लेना, ये डॉक्यूमेंट लगेगा और आपका तुम्हारा अकाउंट खुल जाएगा। वो चला गया, वहाँ जा कर के उसने अकाउंट खुलवा लिया, और अकाउंट खुलवाने के बाद उसने 3,000 की जगह 4,000 रुपये अकाउंट में डाला, और अगले दिन देखता है कि 1,000 रुपये कट गया। भाई कहाँ कट गया? तो इसके लिए तुरंत ही मैंने उसके तरफ से एक मेल कर दिया बैंक को, जो हमने इतने तारीख को अकाउंट खुलवाया था और अकाउंट के बाद हमारा इतना पैसा कट गया, किस कारण से कटा है ये हमें बताया जाए। उसके बाद बैंक का रिप्लाई आता है, और रिप्लाई में चूँकि मैनेजर साहब का नंबर होता है, मैं वो नंबर भी नहीं दिखाऊँगा और मैनेजर साहब का नाम भी नहीं बताऊँगा, और ये भी नहीं बताऊँगा ये कौन से ब्रांच की कहानी है, क्योंकि हमारे दोनों के बीच जो फोन पे बात हुई, अगर आप उसको सुनेंगे तो जानकर काफी हैरान रह जाएंगे कि क्या सरकारी बैंक का अब ये स्थिति आ गया है। खैर, हमने इसको कैसे रिजॉल्व किया, इसके लिए आप हमारे जो बातचीत का पूरा सुने, और ये जो है मैं आपको इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप ये जान सके कि किस तरह से हमें बात करना है किसी भी सरकारी ऑफिसर से, अधिकारी से, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो आप इसको अंत तक देखें, और इसके साथ आपसे अनुरोध करूंगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आइए हम सुनते हैं। गुड मॉर्निंग सर, सुरजीत श्यामल बोल रहा हूँ नई दिल्ली से। एक आर्यन कुमार ने आपके यहाँ अकाउंट खुलवाया था, मेल भी किया था मैंने आपको, मेल कर दिया। नहीं, मेल आपने किया है ना, आप ये बताइए लड़का अकाउंट खुलवाने गया, उसके साथ हेल्थ इंश्योरेंस कैसे कर दिया गया, सॉरी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो भी है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस उसको समझाया गया है? नहीं नहीं नहीं, नहीं गया, लड़का बोला है, लड़का बोला गया है, बोला है, नहीं समझाया गया है उसने, ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए तो मैंने उसको, मैंने जो मेल आया था तो मैंने इंक्वायरी किया स्टाफ से, तो वो उसने आपको फॉर्म में साथ में दिया है। अरे सर, फॉर्म तो आपने भरा है वो बच्चा सर, देखिए सर, वो कोई भी जो बच्चा है ये कह रहा है कि नहीं खोला गया, तो फॉर्मेट में साइन करता सिर्फ सब्जेक्ट का टिक किया है, सब्जेक्ट साइन किया था तो देखेगा ना। लड़का खाता खुलवाने के लिए 3,000 रुपया लेकर के गए आपके पास, ठीक है? ठीक है मैडम, फॉर्म भर के अपना उसने दिया पूरा, अपने हाथ से फॉर्म भरा है, और ये वाला पेज मैंने बोला इस पे भी बाबू साइन कर दो, इसी के साथ है, सुनिए सुनिएगा, उन्होंने बोला कि 4,000 रुपया लगेगा, ठीक है? ठीक है, तो उसने क्या किया, जब मेरे ही अकाउंट में पैसा रहेगा ना, 4,000 रुपया दे दिया, ठीक है? अब उस पे मैडम ने खाली फॉर्म पे साइन करवाया है, बाकी सारा कुछ आपका भरा हुआ है आपके हाथ का, ठीक है? अब ये बताइए हमें कैसे पता चलेगा जब आपने हमारा ये इंश्योरेंस किया, आपने बताया नहीं हमें, और हमारा 1,000 रुपया फंसा दिया आपने, ये तो गलत है ना सर? फंसा दिया कि क्या बात है सर, इसमें जो है आपको नहीं चाहिए ना, आप अभी भी दिए, अभी भी कितने दिए हम उसको वापस करा देंगे। हाँ बिल्कुल वापस कराइए सर, गलत बात नहीं है कि आप बच्चे को बनाइए रिस्पॉन्सिबल, कम से कम समझे इस बात को। नहीं 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 नहीं, समझाइए आप, वापस होने की वापस करा देंगे, आप हमको लिख के दे दीजिए, वापस करा देंगे। हाँ बिल्कुल, आपका शुभ नाम क्या हुआ? ये अलग चीज है, लेकिन सर आपके आप अपने बच्चे को भी समझाइए कि नहीं नहीं, पहले उसको रिस्पॉन्सिबल मतलब बनो, यहाँ साइन करेंगे आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बताइए बैंक में मैनेजर हम हैं, तो कह रहे हैं आपको वापस हम करा देंगे, हम कहाँ करेंगे? नहीं, ये ठीक है, अच्छी बात ये आपकी, हाँ आपको लेना है या नहीं लेना है? अभी अभी हम आपके पास लड़का को भेज देंगे, लड़का बोलेगा मेरे को नहीं बोला गया, तो आप क्या बोलिएगा ये बताइए? सर नहीं बोला गया ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हम स्टाफ के पास खड़े नहीं होते, समझा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझना चाहिए ना कि हम साइन कर रहे हैं, उनको बोला गया 4,000, क्यों 4,000 किस चीज का, ये क्वेश्चन रेज होता है कि नहीं, 4,000 की नहीं आ रही, जब 4,000 का आ गया
जैसे देखिए सर, सिंपल सी बात बताते हैं, SBI अब SBI नहीं है, वो जो आप सोच रहे हैं ना, पहले वाला SBI वो अब इसको बिजनेस चाहिए, ठीक है ना। तो एक ग्राहक क्या क्या होता है सर, प्राइवेट बैंकिंग जो है जो कर रही है, उसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि एक बार आता है, एक बार हम लोगों को कन्विंस करते हैं, बोलते हैं सर देखिए ये है, आपको लेना है तो ले लीजिए, लेना है तो लीजिए, कंपल्सन कोई नहीं हम करते हैं, अभी भी कंपल्सन हम अभी भी नहीं करते हैं, लेकिन लेना है ये चीज है, अच्छी चीज है, आप जो है ले, मतलब ले लीजिए। उसने बोला, उसने साइन किया, तो कम से कम बच्चे में समझाइए कि बाबू साइन किया, एक हजार मांगा, क्यों मांगा, क्या मांगा, कहाँ साइन किया, इसको समझो। अब वो सीख जाएगा, देखिए अब तो वो सीख जाएगा, सबसे पहले सीख इसको समझाइए, तो कोई बात नहीं, आप उसको बोलिए लिख के देगा, आप वापस करा देंगे, ये एक सेकेंडरी मतलब है मैटर। हाँ ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि बच्चे को एक रिस्पॉन्सिबल बनाइए, इतना कितना कम से कम बात करें, यहाँ कोई जान बुझ कोई गलत ढंग से हम लोग नहीं करते, हमारा स्टाफ भी मैंने इसलिए मंगाया। अच्छा ये बताइए, मैंने मंगाया वोचर देखा सर। ठीक है सर, एक मिनट मेरी बात भी सुनिए, बोलिए ना सर, बोलिए जितना बोलना है। नहीं मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपको, आपने अच्छी बात सुनूंगा ना सर, नहीं आपने अच्छी बात कहा, जो मैं उसको वापस कर लूंगा, थैंक यू उसके लिए। लेकिन देखिए क्या होता है ना, देखिए कोई आदमी पहली बार खाता खुलवाने बैंक जाता है, ठीक है सर, उसको बैंक का रूल रेगुलेशन नहीं पता होता है, आप लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो अनपढ़ भी हो सकता है, इलिटरेट भी हो सकता है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कहेगा यहाँ साइन कर दो, कर देगा। अभी इलिटरेट आदमी नहीं, हमारा कंपल्सन ये है कि आप बच्चे को थोड़ा सा समझाइए कि साइन करने के पहले इसको समझो, तो असल में क्या होता है, बहुत है हमारे पास, हम सब थोड़ी अब कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ अकाउंट जो खुल रहा है एक बार बता देते हैं उसको कि आपको ये रिक्वायरमेंट है। नहीं मैं वो नहीं कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इलिटरेट आदमी जाता है, अंगूठा छाप आदमी, वो कहता है कि हमको 4,000 रुपया निकालना है, ठीक है। कई बार क्या होता है, बैंक के स्टाफ क्या करते हैं, उसको भर देते हैं साइन और उसका अंगूठा लगवा लेते हैं, वेरीफाई कर देते हैं। अब ये बताइए, उसको नहीं पता इसमें 4,000 रुपया लिखा हुआ है, उसको नहीं पता है, वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, 4,000 के बदला उसको 5,000 लिख करके अंगूठा लगवा लिया जाएगा। देखिए चीटिंग हो गई, समझ गए ना, वो चीटिंग है, यहाँ चीटिंग कोई खाया नहीं, आपका जो है पैसा कोई लिया नहीं, आपका आप जो है पैसा, ये भी एक सर चीटिंग का ही रूप, आपने बोला ना SBI पहले वाला नहीं रहा, इसको आपके समझिए, अगर ऐसा आता है आप मतलब बच्चे को समझाने के लिए तैयार नहीं हो, कम से कम सर इस चीज को देखो, दोनों पहलू देखो, आप दोनों पहलू को देख के चलो, मेरा कहने का मतलब कुछ नहीं है, आपसे कोई तर्क नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि बच्चे को थोड़ा सा ये बनाइए, इतना मतलब स्ट्रांग बनाइए, उसको समझाइए कि बाबू ऐसे साइन करने के पहले तो अभी ठीक है, लिटर पसंद अगर उसका इंटेंशन गलत है, जो स्टाफ वहाँ कर रहा है, 5,000 भूख देगा वो, अगर 5,000 वो खाएगा तो नहीं, अगर बैंक में ऐसा होने लगेगा तो बैंक में चलेगा, अगर ऐसा बैंक में इसको जो है लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, अगर ये करने लगेगा तो हो गया काम। आप ये बताइए ना, बिजनेस की जहाँ तक बात है ना सर, बिजनेस की बात है, इसने कोई गलत नहीं किया, इसलिए हम इसको कुछ स्टाफ को भी नहीं बोल सकते, इसमें साइन अगर नहीं होता ना फिर हम बोलते जरूर स्टाफ को, ये साइन नहीं साइन फॉर्म कौन किसने भर दिया, लड़का फॉर्म भर के नहीं दिया है, बाकी फॉर्म उसके हैंड राइटिंग में भरा हुआ है, ठीक है वो हम ये नहीं करते, उसने फॉर्म भी नहीं दिया, 1,000 रुपया अगर देखिए अगर लड़का 1,000 रुपया खुद से भरे हुए रहता ना, तो इसका मतलब वो पूछता, तब सवाल पूछता कि 1,000 रुपया किस बात का ही भरे रहे। सर आप जो कह रहे हैं सर, क्या उसको बोला ना कि 4,000 रुपया जमा कराइए, 1,000 रुपया कटेगा, नहीं कटेगा सर, बोला गया सुनिए तो, कटेगा नहीं बोला उसको, 3,000 रुपया लेके मैंने बोला खाता खुलवा लेना, ठीक है, पहला दिन गया तो उसको बोला गया 3,000 रुपया, कोई दूसरे स्टाफ ने बोला, एक लेडी स्टाफ है जिन्होंने फॉर्म लिया उसका, उन्होंने बोला कि 4,000 रुपया लगेगा, तो उसके पॉकेट में 1,000 रुपया था, उसने क्या किया भाई, मेरे ही अकाउंट में रहेगा ना, उसने 4,000 रुपया निकाल के दे दिया, मैडम ने एक फॉर्म निकाल के दिया, बोला कि इस पे भी साइन कर दीजिए, उससे गलती ये हुआ, उसने नहीं पूछा ये किस चीज का फॉर्म है, ठीक है, और क्या हुआ, मैडम ने साइन करवा लिया और बाकी सब कुछ डिटेल अपने से भर दिया, ठीक है, मेरे मैं नहीं कहूंगा मेरे साथ, लेकिन देखिए सिंपल सी बात होते हैं, हम भी उसको टारगेट दिए हुए होते हैं, जो बात है ना, बिल्कुल हम भी टारगेट दिए हुए होते हैं कि बाबू हमको इतना मैंने खाता खोलने के सिवा ये बिजनेस भी चाहिए, अब वो खाली बैंक SBI नहीं कह रहा है, खाली तुम जमा कर रहे हो ले रहे हो, ये बिजनेस कोई नहीं तो सर नहीं करना, मैनेजर साहब एक बात बताइए, अभी लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं है सर, खाने के लिए नहीं पैसा था, SBI बंद थोड़ी होगा सर, भी तो अपना काम करना है ना सर, अब वो स्थिति देख रहे हैं क्या हालत है, ये क्रॉस सेल का जो जमाना आया है ना सर, बच्चे जो है अब होता क्या है सर, इसमें हम नहीं हम कर रहे हैं तो कहीं और कर रहे हैं, लेकिन हाँ स्ट्रिक्टली हमने कहा हुआ है कि आपने किसी के साथ गलत नहीं करना, उनको समझा के करना है, अगर वो समझा के बिना नहीं करना है, अगर वो बोलता है मेरे को खुलवाना है तो कोई दिक्कत नहीं था, 1,000 रुपया लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बस यही है, लेकिन मेरा पता नहीं, कुछ नहीं करना है, मेरा कहना है सर वापस हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चे को थोड़ा सा इतना अवेयर बनाइए कि बाबू इस तरह से
नहीं कोई चीटिंग नहीं किया है, चीटिंग नहीं हुआ है, लेकिन वो तो ठीक है, इतना एफर्ट बनाएगी साइन करने के पहले समझो। देखिए मेरा आपसे कोई ये नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है। नहीं नहीं समझ रहा हूँ सर, हम तो आप सर बोलने वाला आदमी बेल विजर होता है, मैं सिंपल जानता हूँ। अगर यही आदमी अगर आप नहीं बोलते हैं मतलब वो कहाँ से मालूम होता है क्या हो रहा है, हम अवेयर करेंगे, हम समझाएंगे इसको भी कि बाबू इस तरह से नहीं बात करना है, तो कम से कम दो बात करके अगला को बताइए। मैं भी एक बार देखिए कनॉट प्लेस में ब्रांच है, मैं भी गया था खाता को खुलवाने, तो वहां पे मेरे को एक फॉर्म दिया गया इस पे भी साइन कीजिए। हम बोले क्या है, तो मैंने पढ़ा हेल्थ इंश्योरेंस से मेरे को नहीं चाहिए, नहीं आपको इसमें करना जरूरी है। हम बोले भाई हम नहीं करेंगे, आप लिख करके दो मेरे को, ठीक है। मैडम ने क्या किया, यही बता रहे हैं सर, अब क्या हो रहा है, ये आपकी बात सही है, मतलब हर जगह का यही हाल है, तो होता क्या है कि इसको लेकिन हाँ कन्विंस किए भी नहीं करना है, बस ये है, बच्चे यही कर रहे हैं, यही सुना देवी मेरे बनाइए उसको, वैसे साइन करने के पहले एक बार समझो इस बात को। तो सर देखिए हम लोग SBI को प्रीफर इसलिए करते हैं, एक तो सरकारी बैंक है, अब तो खैर हाल बुरा होने वाला है आगे समय में, वो तो मुझे भी पता है आपको भी पता है, और मतलब फिर भी अभी हमें ज्यादा SBI पे भरोसा है, नंबर वन बैंक है पूरे देश का। तो खैर ठीक है सर, प्राइवेट बैंक में तो लोग भाग रहे हैं, गरीब आदमी कौन जाएगा प्राइवेट बैंक में 10,000 रुपया, नहीं वहाँ से लोग जो अमीर भी हैं भाग के हमारे पास आ रहे हैं, इसी कारण से उनको जो है उनके पीछे ऐसा मतलब लग रहा है, वो ये भी करा लो, वो भी ले लो, वो भी ले लो, हम तो एक बार बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है जी जी जी, और इसी का प्रेशर हम पर आ रहा है, हम हो सके यहाँ तक दूसरे बैंकों में हो रहा है, हमने नहीं हमारे यहाँ नहीं हो सकता, हम पर प्रेशर आता है वहाँ हो रहा है, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा, इसका एक हम भी इसके हम भी कहते हैं कि ये चीजें अच्छी नहीं है, जो आपका कोर बिजनेस में रहो कोर बिजनेस, लेकिन अब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी चेंज होती जाती है, बैंक को प्रॉफिट भी चाहिए सब कुछ काम, अब ये सही बात है, ये तो क्रॉस सेल हो गया, मतलब जो अपने बिजनेस है उसके बाहर का भी चीज सेल कर रहे हैं आप, जी जी जी, SBI का असिस्टेंट मतलब दूसरी कंपनी है, लेकिन SBI का तो काम जो मैंने ये है, लेकिन समय चेंज होते जाता है, उस अनुसार से प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, लेकिन गलत नहीं किया है, वो हमने पूछा है उससे, तो थोड़ा सा जो है मैंने देखा भी फॉर्म जो है, तो ठीक है कोई बात नहीं, हम रिवर्सल के लिए बोलिएगा, हम लेकर के हम वहाँ भेज देंगे आपके पास सर, भेज देते हैं आप उसको, कोई बात ठीक है आपसे आप बात करके सर अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू।